Hello friends, welcome to Maitri Mantras. My name is ANKUR Kumar Sharma and this is my 11th video on aptitude session. Friends, in my last video I was teaching you ratio and proportion topic, and in between the video was stopped because of some reasons. So now I will be continuing with the same topic that was remaining at that time. So the question is, in a bag number of 25 paise coins, 20 paise coins and 10 paise coins are in the ratio 3:7:9 and together worth of rupees 61. ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा एक बैग में 25 पैसे की कॉइन है, 20 पैसे की कॉइन है और 10 पैसे की कॉइन है, और उनका जो रेशो है वो 3, 7 और 9 के रेशो में है और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 61 रुपीज़ है. अभी वो पूछ रहे हैं, इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, अभी बताता हूँ मैं. ये कह रहा है कि देन नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइंस क्या होगा, ठीक है ना. देन नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइंस कितना होगा या फिर क्या वैल्यू होगी, ठीक है. तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशो ले लेते हैं. जो 3:7:9 है इसको लिख लिया 3x, इसको लिख लिया 7x, इसको लिख लिया 9x. तो 25 पैसे का कॉइन हो गया 3x, 20 पैसे का कॉइन हो गया 7x और 10 पैसे का कॉइन हो गया 9x. तो ये हो गया 3x:7x:9x. तो यहाँ लिखा हुआ है 25 पैसे कॉइन्स, 20 पैसे कॉइन्स और 10 पैसे कॉइन्स. अब देखो फ्रेंड्स, 25 पैसे कॉइन्स को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/4 रुपये लिख सकते हैं. 20 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/5 रुपीज़, और 10 पैसे को लिख सकते हैं 1/10 रुपीज़. देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसे क्यों लिख सकते हैं. तो 25 पैसे को इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं. तो इसलिए 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये वैल्यू आती है. 25 को 100 से डिवाइड करो तो 1/4, 20 को 100 से डिवाइड करो तो 1/5 एंड 10 को 100 से डिवाइड करो तो 1/10. तो ये आ गया हमारा 3x:1/4 प्लस 7x:1/5 प्लस 9x:1/10 इक्वल टू 61. अब इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया हमारा 40. तो यहाँ से क्या है, 30x प्लस 56x प्लस में 36x इक्वल टू 61. तो कितना आएगा, 132x इक्वल टू 61:40 हो गया. तो अब क्या है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x इक्वल टू आ गया 20. ओके नेक्स्ट देखो अब क्या है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. हमें पता है कि जो 25 पैसे के कॉइन है वो 3 times ऑफ x है, और 20 पैसे के कॉइन है 7 times ऑफ x है, और 10 पैसे के कॉइन है 9 times ऑफ x है. तो यहाँ से 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 3:20, तो 3:20 हो गए 60 कॉइन्स. 20 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए, 7:20, तो हो गया 140 कॉइन्स. और 10p कॉइन्स मतलब 10 पैसे का कॉइन्स कितना हो गया, यहाँ से 9:20, तो हो गया 180 कॉइन्स. तो हमारा आंसर जो है वो यही हो गया, क्योंकि हमने पूछा क्या है इसमें, 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो वो होंगे हमारे 180 कॉइन्स. देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो ये था, यहाँ पे हमने क्या किया था, पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया था. अब हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं कि जो कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट हमारी वो 61 रुपीज़ है, तो 61 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं. 61 रुपीज़ को हम लिखेंगे 6100 पैसे. तो ये क्या लिख लिया हमने, दूसरा मेथड है तेरे इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का. तो ये रुपीज़ 61 लिखा हुआ है, रुपीज़ 61 को लिख सकते हैं 6100 पैसे. तो अब देखो क्या, 25 पैसे हैं कितने टाइम्स है, 3x. 20 पैसे हैं तो कितना है, 7x. 10 पैसे हैं तो कितना है, 9x. तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो 25 पैसे कितना, 3x टाइम्स, मतलब 3x कॉइन है हमारे पास 25 पैसे के, 7x कॉइन है हमारे पास 20 पैसे के, और 9x कॉइन है हमारे पास 10 पैसे के. तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना होना चाहिए, 6100 पैसे. तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 25 से 75 और ये 20 से 140 और 10 से 90, इन तीनों का ऐड करके आएगा 305. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6100/305, तो ये आ गई हमारी 20 वैल्यू, ठीक है. अब 20 वैल्यू आ गई, देन टोटल, देन नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स कितना होगा, यहाँ से 180 कॉइन्स. अब ये कैसे आया, क्योंकि x की वैल्यू निकल गई, तो 9x कर देंगे, बस 10 पैसे के कॉइन आ जाएंगे. तो 9x कितना आ गया, 9:20, मतलब यहाँ से आ गया 180 कॉइन्स. अब वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स अगर देखनी हो तो वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स देखेंगे हम, तो इसमें 180 कॉइन्स है और 10 पैसे एक कॉइन की वैल्यू है, तो 180 कॉइन्स को 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया हमारा 18 रुपीज़. क्लियर है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा जाता है काफ़ी बार. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास टोटल नोट हैं 14, ठीक है. उनमें से हमारे कुछ 10 रुपये के नोट हैं और कुछ हमारे 20 रुपये के नोट हैं. टोटल जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, यहाँ से 230 रुपीज़. ओके, टोटल अमाउंट है हमारे यहाँ से 230 रुपीज़.
देन नंबर ऑफ दी 10 रुपी नोट्स पूछ रहा है कितना होगा, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मेथड वन क्या है, लेट 10 रुपीज़ नोट्स है हमारे एक्स नोट्स और 20 रुपीज़ नोट्स है हमारे वाई नोट्स। तो अब देखो क्या है, हमारे टोटल नोट्स कितने थे हमारे 14, उनमें से हमारे कुछ 10 रुपीज़ के हैं कुछ 20 रुपीज़ के हैं और टोटल कॉस्ट है हमारी 230 रुपीज़। तो हमने क्या किया, मान लिया कि 10 रुपी के कॉइन्स हैं हमारे एक्स नोट्स, क्लियर है, और 20 रुपीज़ के जो कॉइन है हमारे वाई नोट्स हैं। तो जब हमारे 10 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं तो हमारे टोटल कितने 14, तो वाई कितना होना चाहिए 14 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे टोटल 14 कॉइन्स हैं उनमें से 10 के कुछ कॉइन्स हैं और कुछ 20 के कॉइन्स हैं। तो जो हमारे 10 के कॉइन्स जो हैं वो एक्स हैं तो हमारे 20 के कॉइन कितने होंगे 14 माइनस एक्स, तो ये आगे 14 माइनस एक्स नोट्स। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि इसकी जो टोटल वर्थ है टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 230 रुपीज़। तो एक्स में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि 10 रुपीज़ के हमारे एक्स नोट्स हैं और 14 माइनस एक्स किसके हैं 20 रुपीज़ के, तो यहाँ से क्या होगा 20 × 14 − x तो कितना टोटल कॉस्ट आएगी 230। तो माइनस का 10x प्लस 280 इक्वल टू 230, तो 10x कितना हो गया यहाँ से 50, मतलब x हो गया यहाँ से 5। ओके, जब x निकल गया तो x से हमें क्या पता चल जाएगा, हमने क्या माना था x को 10 रुपी कॉइन्स, तो 10 रुपी कॉइन्स माना था, तो इसलिए x नोट्स यहाँ से आ गया, x की वैल्यू थी 5 नोट्स, तो आ गया आंसर 5 नोट्स। एक और तरीका हो सकता है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x प्लस वाई हो गया 14। रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो हमारे 14 हैं, उनमें से x नोट्स जो हैं वो 10 रुपीज़ के हैं, तो y नोट्स होंगे हमारे 20 रुपीज़ के। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे 10 टाइम्स ऑफ x, मतलब x नोट्स जो 10 रुपीज़ के हैं उनमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर ली, और जो y नोट्स हमारे 20 रुपीज़ के हैं उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर ली, और टोटल जो रुपये आएंगे यहाँ से हमारा अमाउंट आएगा 230 रुपीज़। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से, इसमें या तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो या इसमें 20 से डिवाइड कर लो या इसमें 10 से डिवाइड कर लो, तो x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ओके, तो देखो दो दो मेथड बता रहा हूँ मैं सबके ही, एक इजी मेथड है एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। नेक्स्ट क्या, टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:7, मतलब दो नंबर हैं वो 4 और 7 के रेशो में है, मान लो 4x और 7x हैं। If 4 is added to each number, then the ratio becomes 3:5। मतलब अगर हमारा पहले जो रेशो था वो तो था 4:7, उसके बाद हमने क्या किया 4 ऐड कर दिया ऊपर नीचे दोनों में, मतलब ये हमारा दोनों फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया, तो हमारा जो रेशो बनेगा वो 3:5 बन जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। हमारा पहले जो रेशो था वो क्या था, 4:7, मतलब एक था नंबर 4x, दूसरा था 7x। उसके बाद हमने क्या किया 4x में भी 4 ऐड कर दिया, 7x में भी 4 ऐड कर दिया, तो हमारा जो रेशो हो गया वो कितना हो गया 3:5, मतलब 4x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 हो गया हमारा 3:5। तो ये क्या हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 20x प्लस 20 इक्वल टू ये क्या है वैल्यू 21x प्लस 12, यहाँ से x कितना आएगा 8 आ जाएगा। ओके, जब x 8 आ गया यहाँ से, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है हमसे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा 4 × 8, ये कैसे आया 4x की वैल्यू आएगी ना, 4:7 के रेशो में था तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया 4x और लार्जेस्ट नंबर हो गया 7x, यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर आ गया हमारा 4x, तो 4 × 8 आ गया 32। ओके, इतना तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक शुरू होगा परसेंटेज, हाँ वो वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। रेशो एंड प्रोपोर्शन में अभी भी किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सब कवर आ चुका हूँ, बाकी और भी क्वेश्चन आप चाहेंगे तो मैं इन फ्यूचर ज़रूर बताऊँगा, आप बस कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। देखो अभी क्या है, परसेंटेज में आपको शुरुआत कर रहा हूँ, परसेंटेज में क्या है, यहाँ से अगर हमारा 1/5 लिखा हुआ है तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 × 100, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम 20%, क्योंकि हमें देखो परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 0% से लेके 100% तक वैल्यू जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, परसेंटेज में हमने देखा 1/5 को क्या लिखेंगे 1/5 × 100, मतलब हो गया हमारा 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे 20/100, मतलब 1/5 भी लिख सकते हैं, क्लियर है, तो ये 20% हो गया, 20% को हम 20/100 लिखेंगे तो 1/5 लिखा जाएगा। अब देखो क्या है, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज दो तरह के निकाल सकते हैं, एक परसेंटेज इंक्रीज, एक परसेंटेज डिक्रीज़।
तो अगर वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल की वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज, और अगर वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज़। ओके, तो यहाँ से जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना, यही हमारा इसका फॉर्मूला है। तो ये आ गया हमारा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल परसेंटेज, मतलब कितना वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसकी परसेंटेज निकालना हो तो क्या आएगा इसमें, तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100। अब देखो इंक्रीजिंग परसेंट अगर हमें निकालना है तो आएगा इंक्रीज वैल्यू बाई स्मॉलर वैल्यू इंटू 100। अब देखो इंक्रीज वैल्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं इसको हम, ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी वो क्या होती है, जो कि हमारी जैसे कि अगर परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हो तो ओरिजिनल वैल्यू हुई होगी कम, तो इसलिए हम क्या करेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू इनटू 100। तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है यहाँ से तुम्हारा 15 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ गया 60%। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं, और देखो इसमें क्या है, ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 25 और ये थी हमारी फाइनल वैल्यू 40, और बीच में जो हमारा ये 15 क्या है यहाँ से इंक्रीज्ड वैल्यू, क्योंकि 25 से 40 के बीच में कितना डिफरेंस है 15, इसलिए इंक्रीज कितनी हुई है वैल्यू 15, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने 15, क्योंकि ये इंक्रीज्ड वैल्यू था डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्डर वैल्यू सॉरी ग्रेटर वैल्यू इनटू 100। तो ये आ गया डिक्रीजिंग परसेंटेज हमारा डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू इनटू 100। तो ये क्या है, डिक्रीज वैल्यू आई हमारी 20 और ये आई तुम्हारी ग्रेटर वैल्यू आ गई 80 इंटू 100 आ गया, तो आ गया 25%। अब देखो ये हमारा क्या था, ओरिजिनल वैल्यू थी 80, क्योंकि यही हमारी मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू है, तो इसमें से क्या हुआ अब लास्ट में जो फाइनल वैल्यू बची हमारी 60 हो गई, मतलब डिक्रीज कर गया। तो ये परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, डिमांड वैल्यू डिवाइडेड बाई ग्रेटर वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या देखो, इफ़ एक्स परसेंट एंड वाई परसेंट आर सक्सेसिव चेंजेस इन देन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ चेंज, मतलब कह रहा है कि अगर किसी क्वांटिटी के अंदर एक्स और वाई परसेंट के दोनों ही सक्सेसिव चेंजेस हुए हैं, वो डिक्रीज भी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है, देन उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे x देखो इंक्रीज का मतलब क्या है यहाँ से प्लस, और डिक्रीज का मतलब क्या है यहाँ से माइनस। तो इंक्रीज में क्या हो रहा है प्लस एक्स कोमा प्लस वाई, और डिक्रीज में हो रहा है माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। ओके, देखो ये बेसिक्स अगर समझ में नहीं आए ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आगे जाके। ये क्या है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्मूले लिख दिए मैंने। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है इंक्रीज वैल्यू बाई स्मॉलर वैल्यू इंटू 100, और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब है माइनस। तो इंक्रीजेस हो गया हमारा प्लस और डिक्रीजेस आ गया माइनस। अब देखो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज्ड आर परसेंट एवरी ईयर देन, मतलब किसी भी सिटी का अगर पॉपुलेशन हम कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं आर परसेंटेज हर साल, देन क्या होगा। तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस आर परसेंट एवरी ईयर देन पॉपुलेशन अदर आफ्टर एन ईयर्स कितना होगा, इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 + r/100। तो क्या ये पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस आर परसेंट एवरी टाइम एवरी ईयर जो है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 + r/100, और परसेंटेज बिफोर एन ईयर्स कितना हो जाएगा यहाँ से प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100 r + 100। ओके, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स जब इंक्रीजिंग हो उसमें आएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये आ गया तुम्हारे यहाँ से पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, तो ये आ गया हमारा इसमें क्या है तुम्हारा प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100 r + 100। देखो अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये जो पीछे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ये दोनों दो तरह से सक्सेसिव चेंजेस हो रहे हो। देखो इसमें क्या पूछा गया, द इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज्ड बाई 20% एंड अगेन डिक्रीज बाई 20%, देन फाइंड द टोटल डिक्रीज इन दिस इन हिज इनकम। लो एक बार 20% डिक्रीज हुई फिर से 20% डिक्रीज हुई,
तो ये पूछ रहे टोटल कितनी होगी इसमें, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस ट्वेंटी, वाई की वैल्यू माइनस ट्वेंटी, प्लस में एक्स वाई बाई हंड्रेड की वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट किया तो माइनस का 36 आ रहा है वैल्यू, तो माइनस 36 को लिख सकते हैं 36% डिक्रीज, ठीक है। और क्या है, इट इन इफ इनकम नॉट गिविन टेक 100, अदरवाइज कंसिडर वट एवर गिविन, मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन है तब हम क्या करेंगे, 100 को एज ए बेस लेके चलते हैं, और अगर वैल्यू गिवन है तो वो वही वैल्यू होगी जो उसमें यूज़ कर रहे थे तब से। तो क्या है, इफ़ इनकम नॉट गिवन टेक टेक 100, अदरवाइज वट एवर गिवन है, तो इसमें क्या होगा, देखो 100 इंटू 80/100 इंटू 80/100, तो अभी देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, एक हो रहा है 100 इंटू 80/100, मतलब एक तो यहाँ हो रहा है परसेंटेज डिक्रीज, दूसरा 80/100 मतलब यहाँ हो रहा है देखो डिक्रीज ही हो रहा है 20% से ये भी, और 120/100 कितना आ गया यहाँ से, I1 मतलब इंक्रीज हो रहा है 20%, तो ये सब वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब क्या है, 100 मल्टीप्लाइड 120/100 मल्टीप्लाइड 110/100 मल्टीप्लाइड 7x/100, तो अभी इसमें क्या है, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है इंक्रीज्ड, ये क्या दिख रहा है इंक्रीज्ड, ये दिख रहा है डिक्रीज्ड, तो अभी इसमें देखो वैल्यूज़ वगैरह सब यूज़ आएगी हैं, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हमें इस तरह से दिखाते हैं, मतलब बेसिकली तरीका क्या है ना, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 20%, तो 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब को जो 20% इंक्रीज होगा तो हमारा 100 से ज़्यादा हो रहा है 20, तो ये हो गया 120/100। दूसरा क्या है हमारा, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से सीधा क्या करेंगे हम, 10% की जो वैल्यू है इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रुपीज़ इक्वल टू 4000 है, 5% डिक्रीज हो रहा है, 75% डिक्रीज हो रहा है, रिमेनिंग अमाउंट वहीं पर है, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, देखो 4000 है हमारा वैल्यू, उसके बाद 5% डिक्रीज मतलब 95/100, उसके बाद हमारा 75% डिक्रीज मतलब 75/100 इंटू 4, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो ये सब वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हमने, उसके बाद क्या, डिक्रीज्ड अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, 4000 माइनस 950, तो जो हमारा टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ से 2300, ठीक है, सॉरी 3050। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट जो आया था यहाँ से 400 × 95/100 × 2500, तो आ गया 90 रुपीज़। इसके बाद आया इंक्रीज्ड अमाउंट, तो कितना सॉरी 4000 माइनस 950 आ गया 3050। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ओके बाय, और हाँ एक कंडीशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इसकी बहुत ज़रूरत होगी आपको चैनल की, तो अभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिल सकें। सो तब तक के लिए ओके बाय।